जमीनी रंजिश व पैसे को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर हुआ था जानलेवा हमला, 4 अभियुक्त व 1 अभियुक्ता गिरफ्तार। हंडिया उतराव से बड़ी खबर। प्रयागराज जिले के उतराव थाना क्षेत्र के दुगरा गांव निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधेश्याम पटेल पुत्र स्वर्गीय सोहन लाल पटेल अपने ड्राइवर अनिल पटेल पुत्र जगन्नाथ पटेल निवासी कनेहटी के साथ 29 सितंबर को करीब 1 बजे फूलपुर से घर जा रहे थे। जैसे वह बलीपुर नेशनल हाईवे सर्विस रोड पर पहुंचे थे कि 2 अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने बाइक को ओवरटेक कर गोली मार दी थी, जिससे वह घायल हो गए थे, जिनका एक निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना को तत्काल से संज्ञान में लेते हुए एसीपी हंडिया के निर्देशन में कई टीमें गठित की गई थी, जिसमें उत्तराव थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी द्वारा सीसीटीवी फुटेज और अन्य जांच पड़ताल में पता चला कि अभियुक्त सुनीता देवी पत्नी सत्यनारायण और राधेश्याम पटेल में जमीन को लेकर पुरानी रंजिश और पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था, जिसमें सचिन भारतीय पुत्र सत्यनारायण भारतीय और एक अन्य के द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, जिसका पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए घटना में कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण करण कुमार पुत्र सूरज भारतीय निवासी सुदीपुर थाना फूलपुर, हिंदेश कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम सराय आलम थाना उत्तराव, करण भारतीय पुत्र विजय प्रकाश भारतीय निवासी डीहवा थाना उत्तराव, सत्रजीत भारतीय सुनीता देवी पत्नी सत्यनारायण निवासिनी ग्राम महरूपुर थाना उत्तराव प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त 1 अवैध तमंचा, 12 बोर, 1 खोखा कारतूस, 12 बोर, 4 मोबाइल, 3 मोटरसाइकिल बरामद कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी टीम में मुख्य रूप से थाना अध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी, उपनिरीक्षक अजय कुमार सिंह, उपनिरीक्षक सूरज प्रकाश सिंह, राम सुधार सिंह यादव, रितेश चंद उपाध्याय, कांस्टेबल सत्यजीत सिंह, अखिलेश यादव, प्रकाश सिंह, शमशेर सिंह, महिला कांस्टेबल प्रियंका राजभर रही। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से, प्रयाग पांडे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। पटेल जी का उनकी क्या प्रोफाइल है और किन लोगों ने इन पर किस वजह से गोली चलाकर हमला किया था? 29 तारीख को थाना उतराव स्थित सलेमपुर के सर्विस रोड के पास राधेश्याम पटेल जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, उनकी 2 अज्ञात बाइक सवार लोगों द्वारा गोली मार दी गई थी, जिनमें उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर उनकी स्थिति स्टेबल है और आउट ऑफ डेंजर है। इस संबंध में उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जहाँ पर उनके द्वारा सचिन नाम के व्यक्ति जो कि नेहरूपुर का रहने वाला है, उसी के ऊपर शक होता था। इसमें टीमों का गठन किया गया था और तमाम सीसीटीवी और मैनुअल इंटेलिजेंस से पुलिस द्वारा इसका अनावरण किया गया। इसमें पूरा जो घटनाक्रम निकल के आया, इसमें सचिन भारतीय पुत्र सत्यनारायण कि इनसे जमीन की रंजिश चल रही थी 1-1.5 साल से, उसी के तहत उस जो आपसी रंजिश के चलते हुए उनको रास्ते से हटाने के लिए इसने अपने दोस्त करण कुमार, हिंदेश कुमार, करण भारतीय, शिवजीत भारतीय के साथ मिलकर प्लान रचा था, जिसके तहत ये गोली सचिन द्वारा मारी गई थी। इसमें पुलिस द्वारा करण, हिंदेश, करण भारतीय, शिवजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही साथ सुनीता देवी जो कि सचिन की मां है, जिसके द्वारा घटना में प्रयुक्त तमंचा उपलब्ध कराया गया था, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस प्रकार 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उनको जेल भेजा गया। कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, पर इनकी पूर्व की रंजिश थी, जिसके तहत इसने ये घटना की।